पहनो तो देखिए मुझे तो कोई दम लगती नहीं। क्यों? मुझे ये भी लगता वो इस देश की है। कैसे वो ये पद्मश्री उनको मिला है? ये तो फिर है कैसा देश है जो अपने जो इंडिया के बारे में अपने खुद के देश के बारे में उल्टा बोल रही है उसको पद्मश्री दे रहे हैं। कैसे मतलब बताएं तो आपने बोला 2014 में हमें आजादी मिली थी। आपने ये पढ़ा था स्कूल में ये बताइए? नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। अंगद ने क्या पढ़ा है भाई? आपने किसी ने पढ़ा कि हमें 2014 में मोदी जी ने आजादी दिलाई थी? नहीं तो हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं अंगद ने क्या पढ़ा है। मैंने ये पढ़ा है कि 1947 में हमें आजादी मिली थी। हाँ। और हमें आजादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा हाथ भगत सिंह जी का था। हाँ। और सुभाष चंद्र बोस जी का था, गांधी जी का था। देखिए शोहरत लेनी है ना। हाँ। तो अच्छे से लो, किसी की वहाँ पे चेले बन के मत करो, अपने दम से शोहरत लो और किसी की चेलागिरी ना करते हुए। मुझे तो कोई दम लगती नहीं। क्यों? मुझे ये भी लगता वो इस देश की है। कैसे वो ये पद्मश्री उनको मिला है? ये तो फिर है कैसा देश है जो अपने जो इंडिया के बारे में अपने खुद के देश के बारे में उल्टा बोल रही है उसको पद्मश्री दे रहे हैं। कैसे मतलब बताएं तो आपने बोला 2014 में हमें आजादी मिली थी। आपने ये पढ़ा था स्कूल में ये बताइए? नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। अंगद ने क्या पढ़ा है भाई? आपने किसी ने पढ़ा कि हमें 2014 में मोदी जी ने आजादी दिलाई थी? नहीं तो हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं अंगद ने क्या पढ़ा है। मैंने ये पढ़ा है कि 1947 में हमें आजादी मिली थी। हाँ। और हमें आजादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा हाथ भगत सिंह जी का था। हाँ। और सुभाष चंद्र बोस जी का था, गांधी जी का था। देखिए शोहरत लेनी है ना। हाँ। तो अच्छे से लो, किसी की वहाँ पे चेले बन के मत करो, अपने दम से शोहरत लो और किसी की चेलागिरी ना करते हुए। मुझे तो कोई दम लगती नहीं। क्यों? मुझे ये भी लगता वो इस देश की है। कैसे वो ये पद्मश्री उनको मिला है? ये तो फिर है कैसा देश है जो अपने जो इंडिया के बारे में अपने खुद के देश के बारे में उल्टा बोल रही है उसको पद्मश्री दे रहे हैं। कैसे मतलब बताएं तो आपने बोला 2014 में हमें आजादी मिली थी। आपने ये पढ़ा था स्कूल में ये बताइए? नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। अंगद ने क्या पढ़ा है भाई? आपने किसी ने पढ़ा कि हमें 2014 में मोदी जी ने आजादी दिलाई थी? नहीं तो हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं अंगद ने क्या पढ़ा है। मैंने ये पढ़ा है कि 1947 में हमें आजादी मिली थी। हाँ। और हमें आजादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा हाथ भगत सिंह जी का था। हाँ। और सुभाष चंद्र बोस जी का था, गांधी जी का था। देखिए शोहरत लेनी है ना। हाँ। तो अच्छे से लो, किसी की वहाँ पे चेले बन के मत करो, अपने दम से शोहरत लो और किसी की चेलागिरी ना करते हुए। मुझे तो कोई दम लगती नहीं। क्यों? मुझे ये भी लगता वो इस देश की है। कैसे वो ये पद्मश्री उनको मिला है? ये तो फिर है कैसा देश है जो अपने जो इंडिया के बारे में अपने खुद के देश के बारे में उल्टा बोल रही है उसको पद्मश्री दे रहे हैं। कैसे मतलब बताएं तो आपने बोला 2014 में हमें आजादी मिली थी। आपने ये पढ़ा था स्कूल में ये बताइए? नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। अंगद ने क्या पढ़ा है भाई? आपने किसी ने पढ़ा कि हमें 2014 में मोदी जी ने आजादी दिलाई थी? नहीं तो हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं अंगद ने क्या पढ़ा है। मैंने ये पढ़ा है कि 1947 में हमें आजादी मिली थी। हाँ। और हमें आजादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा हाथ भगत सिंह जी का था। हाँ। और सुभाष चंद्र बोस जी का था, गांधी जी का था। देखिए शोहरत लेनी है ना। हाँ। तो अच्छे से लो, किसी की वहाँ पे चेले बन के मत करो, अपने दम से शोहरत लो और किसी की चेलागिरी ना करते हुए अपना ऐसा बनाओ पूरा।